हाय गाइस, ड्रंक एंड ड्राइव इज इलीगल इन दिस कंट्री। आप लोगों ने मूवीज में या इवन रियल लाइफ में भी देखा सुना होगा कि अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसे चेक करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेथलाइजर या ब्रेथ एनालाइजर। नाउ हाउ डज दिस वर्क? इस डिवाइस पर एक ट्यूब या ओपनिंग होती है जिस पर हम सस्पेक्ट को एक्सहेल करने के लिए बोलते हैं, ब्रीद आउट करने के लिए बोलते हैं, और आपकी ब्रेथ में कितना अल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट है ये पता लग जाता है हमें उस डिवाइस से। पहली बात तो ये है, जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, चाहे वो किसी भी तरह का ड्रिंक हो, उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होगा? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ओके, जो कि हमारे ब्लड से अब्सॉर्ब होकर बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, लीवर, ब्रेन, लंग्स, ऑलराइट। तो अब वो आपके ब्रेथ में जब आप एक्सहेल करेंगे तब भी कुछ ना कुछ कंटेंट ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट होगा उसमें, और ब्रेथलाइजर का काम होगा इसी इथेनॉल को या इथाइल अल्कोहल को डिटेक्ट करना। मार्केट में दो तरह के आजकल ब्रेथलाइजर डिवाइसेस अवेलेबल हैं। जो कन्वेंशनल वाला है आपने देखा होगा कि वो ऑरेंज कलर का होता है पहले, और एक्सहेल करने के बाद अगर अल्कोहल कंटेंट प्रेजेंट होता है ब्रीद में तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही कॉमन केमिकल रिएक्शन है, इनफैक्ट आप इसको अपने केमिस्ट्री लैब में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो ऑरेंज कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। लेबोरेटरी में भी K2Cr2O7 का जो कलर है सोल्यूशन का वो ऑरेंज ही होता है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन करता है इथेनॉल के साथ, ओके। पोटेशियम डाइक्रोमेट अंडर एसिटिक मीडियम, जब ये इथेनॉल के साथ में रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस होता है क्रोमियम सल्फेट में CrSO4 थ्राइस, और जो इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटिक एसिड में। जो क्रोमियम सल्फेट है उसी का कलर होता है ग्रीन, जिसकी वजह से ब्रेथलाइजर ग्रीन कलर दिखाता है, which means there is positively some alcohol content in the breath, okay? आजकल एक और नए concept पर work करने वाले breathalyzers आ गए हैं, जो कि electrochemistry के principle पे work करते हैं। ये जो breathalyzers होते हैं, इनमें fuel cell लगा हुआ होता है, इसमें platinum electrodes होते हैं, और इसमें एक normal cathode और anode पर redox reaction होती है। जैसे ही इथाइल अल्कोहल इंट्रोड्यूस होता है इस सेल में जो कि ब्रेथ से आता है, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है एनोड पर इनटू एसिटिक एसिड, और हम जानते हैं एनोड पर क्योंकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव होते हैं, ओके। यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए। जितना ज्यादा अल्कोहल कंटेंट होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा। यही हेल्प करता है मेजर करने में BAC, जिसे हम ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इससे हम क्वांटिटेटिवली भी पता लगा सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल विच इज कंज्यूम। तो ये था द कंसेप्ट बिहाइंड ब्रेथलाइजर्स। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। सी यू सून। बाय।